हेलो एवरीवन, कामायनी की हमारी यात्रा में हम स्वप्न सर्ग पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हमने देखा कि श्रद्धा के स्वप्न के माध्यम से प्रसाद जी हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार का नगर ईडा और मनु ने स्थापित किया है। अब आगे देखिए, देवदारु के वे प्रलंब भुज जिनमें उलझी वायु तरंग। देवदारु के वृक्ष ऊंचे होते हैं और हिमालय की चोटियों पर पाए जाते हैं, तो देवदारु के वे प्रलंब भुज जिनमें उलझी वायु तरंग, और उनकी भुजाएं जो होती हैं, और यहाँ भुजाओं से मानी है कि उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत लंबी लंबी होती हैं और उसमें वायु उलझ उलझ करके बह रही है। मुखरित आभूषण से कलरव करते सुंदर बाल विहंग, और वहां पर जो पक्षी हैं, और यहाँ बाल विहंग की बात हुई है, पक्षियों के बच्चे वो बहुत मधुर आवाज कर रहे हैं उस वायु के हिलोरे खाकर। आश्रय देता वेणु वनों से निकली स्वर लहरी ध्वनि को, और वनों से निकलती इस स्वर लहरी को वेणु जो है वो आश्रय दे रहा है। नाम केसरों की क्यारी में अन्य सुमन भी थे बहुरंग, और बहुत सारे सुमन पुष्प जो है क्यारियों में नजर आ रहे थे और बहुत रंगों के थे। तो श्रद्धा देख करके बहुत प्रसन्न होती हैं कि ये तो बड़ा ही सुंदर शहर है, और फिर देखिए वो क्या देखती हैं। और सामने देखा उसने वह निज दृढ़ कर में चषक लिए मनु वह ऋतुमय पुरुष वही मुख संध्या की लालिमा पिए। और फिर उन्होंने देखा कि सुंदर मुख वाला एक व्यक्तित्व वहां विद्यमान है और उसके हाथ में एक चषक है, एक प्याला है, और मनु उसे दृष्टिगोचर हुए और उसने देखा कि उनके मुख पर वही लालिमा है जो संध्या की बेला में आसमान पर होती है। सो ही लुक्ड ऑल एनर्जेटिक, ही लुक्ड पावरफुल, एंड ही आल्सो लुक्ड पिंक। सो दिस इज अ नोशन व्हिच द पोएट कन्वेज ओनली इन वन वर्ड, मुख संध्या की लालिमा पिए। मादक भाव सामने सुंदर एक चित्र सा कौन यहाँ, जिसे देखने को यह जीवन मरमर कर सौ बार जिए। कहती है कितना सुंदर मुख है, मेरे मनु मुझे दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि इस मुख को देखने के लिए तो सौ बार मर करके मैं सौ बार जीवित हो सकती हूँ। मादक भाव सामने सुंदर एक चित्र सा कौन यहाँ, ये तो एक चित्र से, पेंटिंग से लग रहे हैं, जिसे देखने को यह जीवन मरमर कर सौ बार जिए। मेरा जीवन तो सौ बार मर के सौ बार जिए, तो उसके सामने यही मुख हो। ईड़ा ढालती थी वे आसव जिसकी बुझती प्यास नहीं। आसव बोलते हैं जब आप किसी को कुछ करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, उन्हें इंसाइट करते हैं, जब आप उन्हें एक प्रकार का धक्का देते हैं कि चलिए आप ये कीजिए, मार्ग भी दिखाते हैं और उन्हें बल भी प्रदान करते हैं। तो ये जो प्रोत्साहन ईड़ा दे रही थी वो इस प्रकार का था कि उससे प्रोत्साहन प्राप्त करने के बाद मनुष्य बैठ नहीं सकता था, उसकी प्यास नहीं बुझ सकती थी। ईड़ा ढालती थी वह आसव जिसकी बुझती प्यास नहीं, तृषित कंठ को पी पी कर भी जिसमें है विश्वास नहीं। वो कंठ प्यासा होता चला जाता है, रोज पीता है, फिर भी उसे नहीं लगता कि उसकी प्यास मिट गई है, रोज लगता है कि आज कुछ और नया करना है। तो ईड़ा इतना प्रोत्साहन दे सकती है। वह वैश्वानर की ज्वाला सी, एक बहुत ही यहाँ शब्द जो इन्होंने इस्तेमाल किया, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है वैश्वानर। वैश्वानर बोलते हैं, बहुत सारे अर्थों में प्रयुक्त तो होता है, पर आपको आइडिया आएगा जिस मैं आपको बताऊं। दैट इट इज यूज फॉर समथिंग विच इज यूनिवर्सल, विच इज ऑल कमांडिंग, विच इज ओमनी प्रेजेंट, वो वस्तु जो सब जगह मौजूद है, वो वस्तु जो सृष्टि की हर इकाई पर अपना जो आधिपत्य है वो जमा सकती है, वो शक्ति जिसके सामने सभी सर झुकाते हैं। कभी कभी सभी भगवानों के एक रूप को भी वैश्वानर बोलते हैं। दैट यूनिवर्सल पावर विच इज रनिंग द यूनिवर्स। तो श्रद्धा को ईड़ा में वो ताकत नजर आई, वो बल नजर आया कि ये वो नारी है जो वैश्वानर की भांति इस पूरे नगर को चला रही है। वह वैश्वानर की ज्वाला सी मंच वेदिका पर बैठी, और वो मंच की वेदिका पर बैठी हुई है। सौमनस्य बिखराती, सौमनस्य ये भी एक बहुत खूबसूरत हिंदी भाषा का शब्द है। सौमनस्य का अर्थ होता है जब आपके मस्तिष्क में एक बिल्कुल साफ तरह की समझ हो, कोई भी शंका बाकी ना हो, और उस समझ के साथ साथ उस समझ को पाकर के उल्लास भी हो,
उसे हम सौमनस्य का भाव कहते हैं कि एक तो ये कि आपने पूरा का पूरा समाधान ढूंढ लिया है, अब आपके मन में एक विश्वस्त भाव है और एक भाव है जिससे आपको लगता है कि आपको संपूर्ण समझ प्राप्त हो गई है और उस समझ को प्राप्त करके आप खुश हैं, उसे सौमनस्य बोलते हैं। सौमनस्य बिखराती शीतल, जड़ता का कुछ भास नहीं। और ईड़ा को देख करके जड़ता याद ही नहीं आती थी, जड़ हो जाना, एक जगह स्टैग्नेट हो जाना, रुक जाना, थम जाना, ईड़ा को देख करके तो सिर्फ गति की बात ही याद आती थी। सिर्फ यही पता चलता था कि बस अगर उसके साथ संसर्ग कर लिया तो आगे ही बढ़ते रहना है, रोज निरंतर नया कुछ करना है। अब मनु और ईड़ा के बीच में संवाद हो रहा है और श्रद्धा उसे अपने सपने में सुन रही है। मनु ने पूछा, और अभी कुछ करने को है शेष यहाँ? अब मनु तो बहुत खुश है, देखिए कैसा उजड़ा हुआ सारस्वत प्रदेश था और मैंने इसे अपने श्रम से, अपने विश्वास से और अपनी प्रबंधन कला से सब कुछ वापस बसा दिया है। तो ईड़ा से पूछ रहे हैं कि अब तुम खुश हो, देखो किस तरह से मैंने सब बसा दिया है, मुझे तो नहीं लगता कि अब कुछ करने को बाकी भी रह गया है। बोली ईड़ा, सफल इतने में अभी कर्म सविशेष कहाँ? कहती है, नहीं नहीं अभी कहाँ सफल हुए हैं हम, अभी तो बहुत कुछ आगे करना बाकी है। हमारा कर्म विशेष होता है और वो इतनी जल्दी सफलता को प्राप्त नहीं होता। क्या सब साधन स्ववश हो चुके? कहती है कि क्या तुमने सब चीज पर विजय पा ली है, अब कुछ भी करने लायक नहीं रहा? नहीं, तो मनु उत्तर देते हैं, नहीं अभी मैं रिक्त रहा, देश बसाया पर उजड़ा है सूना मानस देश। अब ईड़ा तो ये कह रही है कि अपनी सफलता पर इतने प्रसन्न न हो कि तुम्हें लगे कि अब कुछ करने को ही बाकी नहीं है। और मनु ने इस प्रश्न को एक दूसरे मोड़ पर लाकर के खड़ा कर दिया, जहां वो ये कह रही है कि ठीक कहती हो तुम, देश तो मैंने बसा दिया है लेकिन मेरे मन का देश अभी सूना है। तो ईड़ा कुछ समझे उससे पहले मनु आगे, प्रसाद जी मनु की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं, सुंदर मुख आंखों की आशा किंतु हुए ये किसके हैं, एक बांक पर प्रतिपद शशि का भरे भाव कुछ रिसके हैं। ईड़ा के मुख को देखते हुए कहते हैं कि इतना सुंदर तुम्हारा मुख है, आंखों में तुम्हारे आशा है, किंतु ये मुख और ये जो तुम्हारा व्यक्तित्व है ये किसका है? एक बांकपन प्रतिपद शशि का, तुम चंद्रमा के भांति तुम में एक बांकपन है और तुम्हारे भाव जो है वो रिस करके बाहर आ रहे हैं। कुछ अनुरोध मान मोचन का करता आंखों में संकेत, और मैं आंखों ही आंखों तुम्हें संकेत दे रहा हूँ, तुमसे अनुरोध कर रहा हूँ। बोल अरी मेरी चेतनते, तू किसकी ये किसके है? और वो ईड़ा के सामने प्रश्न रखते हैं कि तू किसकी है और ये भाव भाव सब किसके हैं। और ईड़ा थोड़ी ठिटक तो जाती है, फिर भी उत्तर देती है, प्रजा तुम्हारी, तुम्हें प्रजापति सबका ही गुनती हूं मैं। कहती है कि ये प्रजा तुम्हारी है और तुम इसके प्रजापति हो, इसके राजा हो और मैं भी तुम्हें राजा मानती हूँ। यह संदेह भरा फिर कैसा नया प्रश्न सुनती हूँ मैं? तो ईड़ा कहती है कि ये किस प्रकार का प्रश्न है कि मैं किसकी हूँ और ये सब किसका है, ये तुम क्यों ये प्रश्न पूछ रहे हो मुझसे? प्रजा नहीं तुम मेरी रानी, मुझे ना भ्रम में डालो। मनु कहते हैं, प्रजा से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरे मन का प्रदेश तो तब बसेगा जब तुम मेरी रानी बन जाओ। मधुर मराली कहो प्रणय के मोती अब चुनती हूं मैं। मनु उनसे कहते हैं कि मान जाओ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्रेम करती हो जितना प्रेम मैं तुमसे करता हूं। मेरा भाग्य गगन धुंधला सा, मेरे तो भाग्य का गगन आसमान बिल्कुल धुंधला हो चुका था, प्राची पट से तुम उसमें खुलकर स्वयं अचानक कितनी प्रभापूर्ण हो छवि यश में। और प्राची पट, प्राची सुबह को बोलते हैं, पट पूरे आसमान के कैनवास पर, उसके पट पर वो जो आसमान जो धुंधला था, मेरे भाग्य का आसमान बिल्कुल धुंधला था, उसमें एक सुबह की तरह तुम उदित हो गई, तुम तो उदय हो गई मेरे जीवन में। खुलकर स्वयं अचानक कितनी प्रभापूर्ण, प्रभापूर्ण जो रोशनी से भरा हुआ हो, और वो यश की छवि थी तुम मेरे जीवन में, तुम रोशनी बनकर के आई, विजय बनकर के आई, यश बनकर के तुम आ गई। मैं अतृप्त आलोक भिखारी ओ प्रकाश बालिके, और मैं तो प्यासा, और किसका प्यासा था? प्रकाश का, रोशनी का, और तुम प्रकाश की बालिका हो, मैं तो अतृप्त था बिल्कुल, मेरे अंदर तो इतनी तृष्णा इतनी प्यास बाकी थी और मैं भिखारी की तरह बस देख रहा था और तुम प्रकाश की बालिका बनकर मेरे जीवन में आ गई। अब बता कब डूबेगी प्यास हमारी इन मधुर अधरों के रस में।
अब मैं तुम्हारे होठों को चूमना चाहता हूँ, तो तुम बताओ कि मेरी ये प्यास कब बुझ सकेगी? क्या तुम मेरी रानी बनोगी? यहां जब वो उसके सामने इस प्रकार का एक प्रश्न रखते हैं, तो ईड़ा समझ नहीं पाती कि किस बात के लिए ये इस प्रकार का प्रश्न मेरे आगे रख रही है, क्योंकि हम जब मिले थे तो ये निर्णय हुआ था कि मैं मार्ग प्रशस्त करूंगी और मनु मेरे मार्ग पर चलेंगे। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि इस चर्चा को लेकर के ये पात्र कहां पहुंचते हैं। नमस्ते।